हेलो एवरीवन दिस इज़ दीपिका वेलकम बैक एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे आज हम एक और टॉपिक को समझेंगे दैट इज़ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन तो इसकी मीनिंग क्या है राइट right? इसके मेरिट्स डी मेरिट्स क्या हैं कंक्लूजन तो ये सारा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आज तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बेसिक कन्सेप्ट ये है कि जैसे और गवर्नमेंट uh, के थ्री मेन ऑर्गन होते हैं राइट जुडिशरी एग्जीक्यूटिव अन लेजिस्लेचर तो लॉ मेकिंग का जो काम होता है वो किसका होता है लेजिस्लेटिव बॉडी का होता है लॉ बनाने का कानून बनाने का तो लेजिस्लेटिव बॉडी जब अपनी ये अथॉरिटी राइट हैंड ओवर करती है या शेयर करती है किसी और अथॉरिटी को ये लॉ मेकिंग की राइट right, किसी और अथॉरिटी या बॉडी को जब लॉ बनाने की जो पावर है वो सौंप देती है तो इस प्रोसेस को कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन राइट अदर अथॉरिटी जैसे गवर्नमेंट को या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को या एग्जीक्यूटिव को जैसे हम कहते हैं और ये अथॉरिटी होती है किससे रिलेटेड मेकिंग ऑफ द लॉ या रेगुलेशन से राइट right. तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन uh, तो आई होप कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की मीनिंग यहाँ से आपको क्लियर हो गई कि इट इज़ द प्रोसेस जब कोई लेजिस्लेटिव बॉडी अपनी जो लॉ मेकिंग पावर है किसी और अथॉरिटी को सौंपती है तो इस प्रोसेस को कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ओके और जो वो डेलीगेटेड जो ये जो जो अनदर बॉडी होगी या जो अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी होगी जिसको लॉ बनाने की पावर मिली होगी ये लेजिस्लेटिव बॉडी से तो वो जो भी लॉ बनाएगी ना उसका सेम लीगल फोर्स होगा ऐसा नहीं होगा कि अगर लेजिलेटिव बॉडी बनाएगी तो उसका जो लीगल फोर्स है वो अलग होगा और जो ये डेलीगेटेड अथॉरिटी बना रही है डेलीगेटेड प्रोसेस के थ्रू कोई अदर अथॉरिटी बना रही है तो उसका लीगल फोर्स अलग होगा नहीं तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे डेलीगेटेड या सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के थ्रू उसका सेम लीगल फोर्स होगा जैसा कि कोई लेजिस्लेटिव बॉडी पास करती है तब होता है गेटिंग इट तो ये इसकी बेसिक सी मीनिंग हो गई जो आप यहाँ पर लिख सकते हो अपने एग्ज़ाम में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक आपके लिए तो ज़रूरत क्या पड़ती है जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी ये क्यों प्रैक्टिस में आता है भाई जब हमने लॉ मेकिंग बॉडी ऑलरेडी बना रखा है लेजिस्लेचर तो ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की जो ये प्रोसेस है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें तो आपको पता है कि अभी प्रेजेंट जो मॉडर्न टाइम है ना तो एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है हमें ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ रही है टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है कई बार तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है कि मान लीजिए लेजिस्लेचर जो लेजिस्लेचर है वो हमेशा तो सेशन में नहीं रहती फॉर एग्जाम्पल हमारी पार्लियामेंट ऑलवेज़ तो सेशन में नहीं रह रही है कि हाँ हाउस चल रहा है तो ऐसे टाइम पर भी हमें ज़रूरत कुछ इमरजेंसीज आ जाती हैं ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डरनी आ गई उनको डील करने के लिए ज़रूरत पड़ती है कि एग्जीक्यूटिव अपना लॉ बनाए राइट तो यूज़ टू फिल इन द डिटेल्स कई बार क्या होता है कि जो स्केलेटन है किसी लॉ का रेगुलेशन का वो तो लेजिस्लेचर के द्वारा प्रिपेयर कर दिया जाता है फॉर एक्जाम्पल एक मोटा माटी स्ट्रक्चर किसी लॉ से रिलेटेड लेजिस्लेचर ने बना दिया अब उसमें जो डिटेल्स फ़िल करनी है जो एक्सपर्टीज़ रिक्वायर मांग, मतलब मांगती हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत होती है फैक्ट एनालिसिस डाटा एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है तो वो सारे डिटेल्स किसके द्वारा भरे जाएंगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है या एग्जीक्यूटिव है क्यों क्योंकि एग्जीक्यूटिव के पास एक पूरा सपोर्ट सिस्टम है ब्यूरोक्रेट्स हैं जो एक्सपर्ट होते हैं अपनी फील्ड में फॉर एग्ज़ाम्पल हम पोल्यूशन का लेते हैं या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अगर हम एक एक सेगमेंट लें मान लीजिए एयर पोल्यूशन राइट तो एयर पोल्यूशन क्या है अपने आप पर साइंटिफिक हो गया थोड़ा सा टेक्निकल हो गया ना ज़रूरत है इस इसमें एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत रहेगी तो लेजिस्लेचर क्या करेगी एक मोटा माटी स्ट्रक्चर बना देगी स्केलेटन तैयार कर देगी लॉ का अब उससे रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो भर दिए जाएंगे उस अथॉरिटी के द्वारा जिसको पावर डेलीगेट की गई है लेजिस्लेचर के द्वारा जैसे एग्जीक्यूटिव बॉडी ओके okay. तो ये ज़रूरी होता है इसीलिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आजकल काफ़ी प्रैक्टिस में है तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप ये मेंशन कर सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेजिस्लेचर ने एक लॉ बनाया एयर पोल्यूशन से रिलेटेड ओके okay. फिर जो लेजिस्लेचर क्या करेगी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी को अपनी अथॉरिटी ग्रांट करेगी कि जो एयर पोल्यूशन के स्टैंडर्ड सेट करने हैं कि एयर पोल्यूशन एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया ना जैसे पी एम होता है पी एम होता है कि इतना इतना होगा तो एयर पोल्यूशन है या इसका लेवल रेड अलर्ट हो गया या ऑरेंज उसमें है या ग्रीन है ये सारे स्टैंडर्ड सेट कर देगी ये एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हमने एक मोटा माटी लॉ बना दिया स्केलेटन तैयार कर दिया गेटिंग इट तो इसका एग्जांपल देकर आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो फर्दर चलते हैं हम ये समझते हैं कि ज़रूरत क्या है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को राइट right? सिग्निफिकेंस क्या है इम्पोर्टेंस क्या है इसे एडवांटेज भी कह सकते हो आप तो सबसे पहले इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि कई बार लेजिस्लेचर में ये देखा जाता है कि लैक ऑफ इस्पेसलाइजेशन का इशू आता है क्योंकि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कई बार हो सकता है कि उनके पास वो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ ना हो जो रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर लॉ बनाने के लिए घटे तो ज़रूरत पड़ती है जो नेसेसरी नॉलेज है उसकी तो डेलीगेट लेजिस्लेशन वहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ेगी या क्राइसिस सिचुएशन में कई बार क्या होती है कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई या एक्स्ट्रा ऑर्डरनी सरकमस्टेंसेस बन जाती हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल की हमारी जो पार्लियामेंट है वो सेशन में नहीं है या अदर क्राइसिस सिचुएशन आ गई और इमरजेंसी में ज़रूरत है कोई लॉ बनाने की तो ये इसकी ज़रूरत पड़ती है फिर कंडीशन देट आर मोर कॉम्प्लेक्स दैट आर कॉम्प्लेक्स फॉर एग्जांपल तो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटर जो एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रेजेंट टाइम में है आपको पता है कि डे बाय डे कॉम्प्लेक्स हो रहा है वेलवेयर वेलफेयर स्टेट है फिर आईसीटी का यूज़ हो रहा है जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है आज एडमिनिस्ट्रेशन भी तो टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहा है ना ज़्यादातर जो सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की हम उन्हें ऑनलाइन मोड में स्विच कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन मॉडर्न टाइम का थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है ओके okay, कई सारे इश्यूज़ हैं जैसे कि एम्प्लॉयमेंट हेल्थ एजुकेशन या ट्रेड या कोविड नाइन्टीन के बाद से जिस तरीके के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट हुई तो कंडीशन प्रेजेंट टाइम पे मोर कॉम्प्लेक्स uh, होती जा रही हैं जिन पे टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की राइट right, या नॉलेज जो एक्सपर्टीज़ है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो आप देखोगे कि प्रेजेंट टाइम पे जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इसकी प्रैक्टिस भी बढ़ रही है इसके बाद से अगर हमें गवर्नेंस सिस्टम को या एडमिनिस्ट्रेशन को मोर एफिशिएंट बनाना है राइट एफिशिएंट मान लीजिए क्विक डिसीजन लेना है एयर पोल्यूशन फॉर एग्जांपल जो हम एयर पोल्यूशन का एग्जांपल ले रहे हैं उसी को डिस्कस करते हैं तो एयर पोल्यूशन से मान लीजिए अचानक से एयर पोल्यूशन बढ़ गया होते हैं ना एन रीजन में जब आप देखेंगे तो कई बार होता है जब स्टार्टिंग जब बिगनिंग होती है पोल्यूशन बढ़ गया क्विक डिसीजन लेने की जरूरत है राइट right? तो अब आप वेट करोगे कि जो पार्लियामेंट है उसका सेशन चलेगा फिर लॉ पास कराया जाएगा पूरी प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा तो हमें क्विक डिसीजन लेने की जरूरत है यहाँ पर इस ऐसी सिचुएशन में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ओके okay? और बहुत ही ज़्यादा काम का काम की चीज़ होती है ये यहाँ पर देन फ्लैक्सीबल लॉ मेकिंग कई बार होता है कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव है जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वो ग्राउंड रियालिटीज से ज़्यादा अवेयर होते हैं क्योंकि वो वाकई ग्राउंड में काम कर रहे हैं ना तो कई बार होते लेजिस्चर को उतना नहीं पता है कि क्या चल रहा है किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी स्टेट में या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में राइट तो जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसको ग्राउंड रियलिटीज़ ज़्यादा पता है क्योंकि वहाँ पे पॉलिसीज़ एग्जीक्यूशन कर रहे हैं वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं वो तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो रिक्वायरमेंट्स है उसको ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ कनेक्ट करके हम एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें तो जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है ये अपने आप में काफ़ी यूजफुल चीज़ है इफ़िसंट और फ्लैक्सीबल गवर्नेंस के लिए अब इसके साथ साथ कुछ कंसर्नस भी हैं बहुत सारे कंसर्न्स हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कंसर्न्स जैसे कि कई बार क्या होता है इन नेम ऑफ डेलीगेटेड लेजिसलेशन जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है ना गवर्नमेंट की थ्री ब्रांचेज हैं लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एग्जीक्यूटिव ब्रांच इन नेम ऑफ डेलीगेटेड लेजिसलेशन क्या करती है कई बार अपनी इस पावर को मिस करती है तो फॉर एग्ज़ाम्पल एग्जीक्यूटिव को कोई लॉ पास कराना है तो उन्हें पता है कि वो हाउस में नहीं पास होगा मान लीजिए पार्लियामेंट में नहीं पास होगा तो वो क्या करेंगे उस जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जो लेजिस्लेचर की प्रोसेस है उसको बाईपास करके वो पर्टिकुलर इशू पे जो लॉ बनाएंगे वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू बना देंगे तो ये क्या हुआ आपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बाईपास कर दिया जानबूझकर तो ऐसे मिसयूज़ किया जा सकता है नेक्स्ट कई बार होता है कि जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जब आप बाईपास कर दोगे तो उस पर्टिकुलर इशू पे एक्सटेंसिव डिस्कशन नहीं होता है डेलिबरेशन जिसे कहते हैं क्योंकि जब हाउस में या पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर में बिल पास होता है तो प्रॉपर डिस्कशन होता है अपोजिशन के भी व्यूज़ लिए जाएंगे अदर पोलिटिकल पार्टीज़ के व्यूज़ लिए जाएंगे पब्लिक ओपिनियन कंस्ट्रक्ट किया जाएगा तो कई बार जब डेलीगेटेड लेजिसलेशन होता है तो यहाँ पर डिस्कशन नहीं हो रहा है कुछ टीम है जो मिलकर डिसीजन ले रहे हैं तो कई बार ये जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है दैट इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ एक्सटेंसिव डिस्कशन ओके जबकि डेमोक्रेसी में क्या होता है डेलीबरेशन बहुत ही एसेंशियल uh, टूल माना जाता है तो इन दो वजह से कुछ लोगों का मानना है कि दिस जो डेलीगेटेड लेजिसलेशन है दिस इज अगेंस्ट दिट ऑफ डेमोक्रेसी तो जो डेमोक्रेसी का कोर प्रिंसिपल्स होते हैं जो डिस्कशन डेलीबोरेशन राइट उसके खिलाफ है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्योंकि अन इलेक्टेड मेम्बर्स जो एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट हैं वो लॉ बना रहे हैं और इसी को आगे चलकर जोड़ा जाता है सेपरेशन ऑफ पावर से सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है उसमें ये बात की जाती है कि जो थ्री ऑर्गन्स ऑफ दी गवर्नमेंट है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इनके अपने अपने ज़ुरिडिक्शंस हैं और ये एक दूसरे के ज़ुरिडिक्शन में इंक्रोज नहीं करेंगे तो जो लेजिस्लेचर का जोरिडिक्शन है वो है लॉ मेकिंग अब ये लॉ मेकिंग किसके द्वारा इंजॉय किया जा रहा है एग्जीक्यूटिव तो कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि दिस ये जो प्रोसेस है दिस इज़ अगेंस्ट दी डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर नेक्स्ट फर्दर कहते हैं कि इस तरीके से क्या हो सकता है बहुत सारे चांसेस हैं कि जो एग्जीक्यूटिव या जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हैं गवर्नमेंट की वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर कर लेंगे भाई फिर जब लॉ मेकिंग जो लेजिस्लेचर का काम है वो इनके पास चला गया तो इनके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो जाएगा और जब कंसनट्रेशन ऑफ पावर होता है तो दैट लीड टू द करप्शन अब वो करप्शन के कई सारे डायमेंशन है करप्शन सिर्फ मनी से ही रिलेटेड नहीं है मिसयूज ऑफ़ द पावर एब्यूज ऑफ द पावर नेपोटिज्म एंड ऑल कि किसी पर्टिकुलर uh, पार्टी को फ़ायदा भी पहुंचाना वो किसी भी तरीके से तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर अगर एग्जीक्यूटिव पे हो होगा जाए, हो जाएगा तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर एनी स्टेट या एनी नेशन ओके तो इस तरीके के कंसर्न टाइम टू टाइम उठाए जाते हैं डेलीगेटेड प्रोसेस या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के लिए तो इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि या ये अच्छी चीज़ तो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्योंकि हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है इफ़ीसेंट गवर्नमेंट बनाने में हेल्प कर रही है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशनस जो है ना उनसे डील करने में हेल्प कर रही है तो हमें क्या करना चाहिए जो ये हमारे कंसर्न्स हैं ना इनको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि इन कंसर्न से कैसे हम डील कर सकते हैं तो कुछ एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि एक ऐसी मैकेनिज़म क्यों ना डेवलप कर ली जाए कि जो चेक एंड बैलेंस रखे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की प्रोसेस में कि कहीं जो एग्जीक्यूटिव है ना वो मिसयूज़ तो नहीं कर रही है इस पावर का राइट एब्यूज़ तो नहीं कर रही है यह कहीं डेमोक्रेसी स्प्रिट के खिलाफ तो नहीं है या एग्जीक्यूटिव की जो पावर्स हैं ना वो कॉन्सेंट्रेटेड तो नहीं हो रही हैं तो ये एक ना नज़र रखनी होगी एक मैकेनिज्म ऐसी क्यों ना डेवलप किया जाए जिसमें चेक एंड बैलेंस रखा जा सके ये जो डेलीगेटेड प्रोसेस है इस पर तो आई होप सो कि दो की आ, जो डेलीगेटेड लेजिसलेशन है ये गुड है अपने आप में बैड नहीं है लेकिन इसको बैड बना दिया जाता है अगर इंटेंशन आपके बैड uh, हो तो ओके okay? तो उसी की बात की जाती है तो इस तरीके से आप अपने डिस्कशन को कंक्लूड कर सकते हो कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो प्रोसेस है एक ओके okay? और ये हमें इफ़िशेंट और फ्लेक्सिबल लॉ मेकिंग गवर्नेंस प्रोवाइड करती है ओके okay? इवन सुप्रीम कोर्ट ने 1973 थ्रू थ्री के एक रूलिंग में बोला था कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है ये इवॉल्व हुई है आउट ऑफ द प्रैक्टिकल नेसेसिटी भाई ये हमारी मतलब प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट है ओके रियल जो रियल नीड है और प्रैग्मेटिक नीड है मॉडर्न वेलफेयर स्टेट की तो ये प्रोसेस अपने आप में बुरी नहीं है बट इसे बनाया जाता है तो उसमें उसकी एक मैकेनिज़्म डेवलप की कर ली जाए जो चेक एंड बैलेंस रख सके इस पर तो आई होप सो कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आपको समझ में आया होगा इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं ये भी समझ में आया होगा और आप अपना आंसर लिख सकते हो इस पर तो जो मैंने क्वेश्चन दिया है यहाँ पर स्टार्टिंग में तो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो आप इसकी इससे क्या होगा आपकी जो आंसर राइटिंग है कि जो स्किल्स हैं वो भी बेटर होंगी और आप एकेडमिक्स में अपने अच्छा स्कोर करेंगे तो गाइज अगर आप थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर आज का डिस्कशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कॉमेंट में भी लो एंड सब्सक्राइब मई चैनल टू सपोर्ट मी थैंक्स फॉर वॉचिंग सी इन द नेक्स्ट वीडियो बाय टेक केयर